हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। ट्रिपल SP डिपार्टमेंट की तरफ से टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसीज आ गई हैं। किस तरह से कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या बताई गई है, सारा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर रिक्रूटमेंट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक रिक्रूटमेंट की जानकारी आप तक सबसे पहले विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। बताना चाहती हूँ, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 10 से 12 नए नोटिफिकेशन भी आ गए हैं जिसमें आपके स्टेट की, आपके राज्य की अलग वैकेंसीज आई हैं और सेंटर की अलग आई है। उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके सारी जानकारी ले लेनी है। वहाँ आपको प्रॉपरली गाइड भी किया गया है किस पोस्ट के लिए किस तरह अप्लाई करना है। और 3 से 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और रिजल्ट भी आ चुके हैं, और उसके लिए भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट के आ गए और कैसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। बात करेंगे SSSB डिपार्टमेंट की तरफ से आई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए 02/2020, क्योंकि इससे पहले एक नोटिफिकेशन एक दिन पहले आया, मैंने आपको बताया है। वो जो वैकेंसीज है बैकेंड की है, जिसमें हर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई है वैकेंसीज, वो वाली 10th 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए, सबके लिए वो वैकेंसीज आई है, और वो भी ऑल इंडिया की ही है, SSSB की, ठीक है, दिल्ली की तरफ से है वो। और ये वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये भी DSSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। आप सभी को पता है कि इसमें ऑल इंडिया के मेल फीमेल हमेशा अप्लाई करते हैं और करते रहेंगे। अप्लाई आप कर सकते हैं 14 जनवरी 2020 से, लास्ट तारीख अप्लाई करने की है 13 फरवरी 2020। और इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ऑनलाइन आप जब अप्लाई करेंगे मैं उस दिन भी आपको एक बार रिमाइंड ज़रूर करवाऊँगी, और ऑनलाइन आपको जब अप्लाई करना शुरू होगा, लिंक एक्टिवेट होगा, तब भी आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ी नहीं है SC ST वीमेन कैंडिडेट्स के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए। जनरल OBC की 100 रुपीज़ है, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। 34,800 प्लस यहाँ पे ग्रेड पे आपका रहेगा, 4,800 आप देख सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज देखिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आउट हुई है। PGT टीचर की ये वैकेंसीज है, लगभग सारे सब्जेक्ट में ये आउट हुई है, आप देख सकते हैं। मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट में आउट हुई है, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक भी दूंगी, आप इसको रीड कर लेना। और इसमें आपने अगर मास्टर डिग्री की हुई है रेलेवेंट सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए इन्होंने यहाँ पे 12th पास के साथ BEd भी मांगी है, तो आप उसको अच्छे से रीड ज़रूर करना अपने हिसाब से। अगर मैं आपको ये भी बताऊँगी तो इसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसको मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है आप उसको खुद एक बार रीड करना। बात करेंगे एज लिमिट की, अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 36 है, प्लस 5 से 12-13 साल का रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा अलग से वो दिया जाएगा, जो कि डिपेंड करता है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अलग है। टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई है 710 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और यहाँ पर देखिए मोड ऑफ पेमेंट जो है इन्होंने वो भी बता रखा है, ऑनलाइन ही आपको पे करनी है फ़ीस, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं आप, Tier 1 Tier 2 के लिए। और यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट जो आपका रहेगा एग्ज़ाम का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपने DSSSB की जो कल मैंने आपको वैकेंसीज बताई है ना, जो हर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई है, वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना, उसके लिए भी सारे एलिजिबल है, क्योंकि वो सारी मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसीज आई है। ये वाली तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज आई है, ये सिलेबस है आपका एग्ज़ाम का, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन है आप बता देना, मैं थोड़ा बाहर हूँ लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूँ वैकेंसीज आई है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।